बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल को, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन रतिया में। दोस्तों आज ये दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक यूट्यूबर बनने से पहले या यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करने से पहले हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती है कि एक ना एक दिन उसका भी चैनल मोनेटाइज होगा, उसके भी जो रेवेन्यू वाला कॉलम है उसमें कुछ डॉलर के साइन या रुपए के साइन दिखाई देंगे। दोस्तों तो मेरे लिए भी वो खुशी का दिन आप लोगों के सहयोग की वजह से आया है। दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों, ये दिन दिखवाने के लिए, इस दिन में मेरे साथ बने रहने के लिए कि हमारा चैनल आज मोनेटाइज हो गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है YouTube 4000 वॉच आवर मांगती है दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर मांगती है। मार्च 2020 में मैंने रेगुलर इस पर वीडियो डालना स्टार्ट किया था चैनल पर, और सितंबर आते आते मेरे 240000 मिनट यानी कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे दोस्तों, जो कि 1000 सब्सक्राइबर की पार्टी तो आप लोग जो भी छोटी मोटी थी आप लोगों तक मैंने पहुंचाई थी दोस्तों। तो अब एक और चीज थी कि कब एक चैनल मोनेटाइज होगा। दोस्तों रात को सपने भी कभी कभी मोनेटाइजेशन के आ जाते थे, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बिसर बता रहा हूँ मेरे भाइयों। मुझे सिर्फ 5 से 7 दिन लगे, ऑटोमेटिक ही YouTube ने मेरा चैनल रिव्यू के लिए भेज दिया दोस्तों। मुझे पता भी नहीं लगा, मुझे 3 दिन बाद पता लगा, और 3 दिन बाद पता लगने के 2 दिन बाद अर्ली सुबह ही जैसे ही मैं जगा एक मेरे दोस्त के पास बैठा था, और उस वक्त घर में तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने बाहर दुकान पे जाके जैसे ही नेटवर्क ऑन किया तो YouTube की तरफ से पहला मेल आया दोस्तों कि आपका जो मोनेटाइजेशन है, कांग्रेस यू आर इन, आप मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, आपका जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम है उसके लिए अप्रूव हो गया है। दोस्तों आप जानते हैं इस मेल को पढ़ने के बाद इतनी खुशी हुई कि आप पूछिए मत दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं ये एक सपना होता है, मेरा भी सपना आप लोगों ने साकार किया। उसी खुशी में आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज कैसे बनाता हूँ, कैसे उन्हें शूट करता हूँ, किस जगह शूट करता हूँ, और वो कौन कौन सी जगह है दोस्तों, और मेरा क्या सेटअप है, और मैं किस तरीके से रहता हूँ दोस्तों। अब देखिए आप सभी जानते हैं ग्रामीण माहौल का हिसाब किताब है, इंडिया जुगाड़ पर टिका हुआ है, हर चीज का जुगाड़ किया हुआ जाता है दोस्तों। मेरे पास माइक की व्यवस्था नहीं थी तो मैंने कोई बोया का माइक नहीं मंगाया, किसी महंगी कंपनी का कोई फोन यूज नहीं लिया दोस्तों, मैं ये सिंपल नॉर्मल, मैंने 250 रुपए का मुझे माइक और ट्राईपोर्ड दोनों मिल रहे थे 250 रुपए में, तो मैंने माइक और ट्राईपोर्ड दोनों 250 रुपए के अंतर्गत ही खरीद लिए दोस्तों। और एक हेडफोन की, मेरे अभी हेडफोन मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी लाइन मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, हेडफोन खराब हो गया था, तो हेडफोन जब मेरा खराब हो गया दोस्तों, तो हेडफोन खराब हो जाने के बाद मैंने उसकी लाइन को यहाँ से काट लिया बीच में से, ये देखिए ये लाइन दूसरी है, ये लाइन दूसरी है दोस्तों, और उस लाइन को बीच में से काट के चेक कर करके उसकी पेस्टिंग को पेस्ट कर दिया, और ये मेरा माइक आप लोगों के लिए चालू हो गया दोस्तों। मेरे पास MI का Redmi 4 फोन है जो मैंने 2015-16 में खरीदा था, लगभग 4-5 साल इसको हो चुके हैं और बढ़िया सर्विस दे रहा है, एक बार बैटरी इसकी बदलवा चुका हूँ, नया फोन खरीदने की कंडीशन में नहीं है। यदि YouTube से कभी भविष्य में पैसा आता है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इंटरनेट, तेज स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था करूंगा, और उसके बाद बाकी की चीजें सोचूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि क्वालिटी चाहे कम हो जाए लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो क्वालिटी आप लोगों को जैसी भी मिलती है उसका अभी मैं आपको टूर बता देता हूँ, अब आप देख लीजिए मैं किस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ मेरे भाइयों। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ सबसे पहले बताने की कोशिश करूँ तो ये मेरा एक छोटा सा रूम है मेरे भाई, जहाँ यहाँ आपको यहाँ एक अलमारी दिखेगी बैक साइड में पीछे, और ये सबसे पहले आपको ये मेरी कुछ किताबें रखी हुई दिखेंगी, और जो आप लोगों के लिए मैं ग्रीन स्क्रीन का वीडियोज बनाता हूँ यानी कि पर्दे लगाने वाला, तो मैंने यहाँ कुछ पिंस लगा रखी है, ये अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ मैंने ये पिंस लगा रखी है, मैं इस पर्दे को इस पर सेट कर देता हूँ ऐसे यहाँ से खींच के, इसके लिए ऊपर यहाँ पर ये डोरी बांधी हुई है, ये आपको अगर दिख रही होगी। तो आप जानते हैं इंडिया में हर चीज का जुगाड़ है दोस्तों, बिना जुगाड़ के कोई काम नहीं होता, इस पर्दे को मैं यहाँ से पीछे खींच लेता हूँ और फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से उसे वहां से बैकग्राउंड को हटा दिया जाता है। पीछे अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ सारी मेरी किताबें रखी हुई है जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, राजस्थान जीके हो गई आप लोगों के, बाकी कुछ मेरे ऐसे सीरीज हो गए, इंग्लिश की आप लोगों की पैरामाउंट है, हिंदी में हम राघव प्रकाश जी की बुक पढ़ रहे हैं इस वक्त। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ ये धरोहर रखी हुई है राजस्थान जीके के लिए, क्योंकि अभी हम LDC की तैयारी कर रहे हैं तो LDC के पर्पज के हिसाब से बुक ज्यादा पढ़ रहे हैं, रेलवे के हिसाब से भी कुछ मैथ की बुक्स है, रीजनिंग की बुक्स है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और अगर मैं आपको यहाँ साथ में दिखाने की कोशिश करूँ तो ये मेरा कंप्यूटर आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, ये छोटा सा सेटअप यहाँ टेबल के पास मैंने लगाया हुआ है। इस साइड अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ और लाइट की अगर प्रॉब्लम ना हो, लाइट का उजाला पता नहीं आपको किस तरीके से प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ मेरा प्रिंटर रखा हुआ है, कभी कभी अदर वर्क के लिए भी, और कुछ नोट्स अगर निकालने हो तो मैं वो भी काम ले लेता हूँ, UPS आप जानते ही है। इसके साथ वहां पर स्पीकर रखे हुए हैं, और वहां अगर आप पीछे देखने की कोशिश करें तो वहां पर आपको वो हेडफोन दिखाई देंगे जिनकी मैं लाइन को काटने की बात कर रहा था दोस्तों।
तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़े प्रोफेशनल यूट्यूब की तरह यहाँ पर बिल्कुल सेटअप नहीं किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा सेटअप है और ज्यादा जगह भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल एक मिनिमम छोटी सी जगह है जो लगभग लगभग शायद 4x4 की हो सकती है। इस 4x4 की जगह में ही हम वीडियो आप लोगों के लिए शूट करते हैं। ये आपका वो व्हाइट बोर्ड है दोस्तों, उस व्हाइट बोर्ड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने इसके लिए भी अलग से रस्सियां बांधी हुई है। ये इस रस्सी को अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने आपके लिए इसको बांधी हुई है और इस व्हाइट बोर्ड को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और कैमरे को आप सामने इस टेबल को देख रहे हैं इस टेबल पे रख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपके लिए सारे वीडियो को शूट किया जाता है। कंप्यूटर की डिस्प्ले में भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, ये यहाँ से प्रॉब्लम हो गई है इस डिस्प्ले में। इसको भी जब पैसे आ जाएंगे थोड़े तो इसको बदलने की कोशिश करेंगे। और ये कंप्यूटर मैंने 2011 में खरीदा था दोस्तों, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था। तो 2011 से अब तक अच्छी सर्विस दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें इसने मुझे सिखाई है और मैंने भी इसके साथ साथ काफी अच्छी अच्छी चीजें की है दोस्तों। आप लोगों के उजाले के लिए पीछे एक लाइट खरीदी हुई है, एक ही लाइट मेरे पास है, इसलिए कभी कभी वीडियो में आपको ज्यादा ब्राइटनेस या अदानक चमक देखने को मिलती है, क्योंकि वो स्पेशल लाइट नहीं है कोई। एक एलईडी खरीदी हुई है बड़ी सी, जो आप एक तरीके से घरों में यूज करते हो कभी शादी समारोह में, इस तरीके की एक एलईडी खरीदी हुई है और उसी से सारे वीडियो शूट करता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से ये सेटअप हुआ था, ज्यादा इसमें कुछ दिखाने को था नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है तो आप लोगों के साथ खुशी जाहिर की। और किस तरीके से छोटी सी जगह में हमने मेहनत करके अपने चैनल को मोनेटाइज किया, तो आशा करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था मेरा एक छोटा सा सेटअप हुआ, आशा करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद भाइयों।